प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब हैंडपंप से पानी नहीं भरने दूंगा, हर गांव में पाइपलाइन बिछ रही है और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो गुंड गगरा सब भरा जाएंगे, बेटियों को पानी के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं नहीं कह रहा, मैं अगर विकास के काम गिनाऊंगा तो पूरा दिन यही हो जाएगा, मुझे भी कई जगह जाना है। आज किसान भाइयों, आप भी दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, जितने विकास के काम हमने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? एक बार जोर से आवाज आनी चाहिए, किए थे क्या? सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुल, पुलिया, सीमेंट कंक्रीट रोड, सीएम राज स्कूल, आईटीआई, वो कहते थे पैसे ही नहीं है। अरे पैसा तब आता है कमलनाथ, जब दिल में तड़फ होती है जनता की सेवा की, जब चाह होती है, राह को निकलना ही पड़ता है। और जब हमने पैसा नहीं है का रोना नहीं रोया, जनता की जिंदगी बदल ली। याद करो किसान भाइयों, ये कांग्रेस की सरकार थी, जब आपको कर्जा मिलता था 16% ब्याज पे, याद है कि नहीं बताओ? अरे याद है कि नहीं? 16% पे, 18% ब्याज पे कर्जा देने वाले, और आज मुझे कहते हुए गर्व है 0% ब्याज पे लाखों किसानों को कर्जा दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। कमलनाथ ने वादा किया सब किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में कर देंगे, गिल के राहुल बाबा बताते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं 11 दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताओ सब कब किसानों का कर्जा माफ हुआ था क्या? ये झूठे वादे करने वाले, जनता को ठगने वाले। अरे उस ब्याज की गठिया सर पे रखा गई थी किसान भाइयों, 2200 करोड़ रुपया ब्याज मैंने भरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरने का काम क्या दिया इन्हें किसानों? अकेले फसल बीमा योजना में 2.5-3 साल में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला, और पूरे मध्य प्रदेश में हमने इस अवधि में केवल तीन साल में 2,72,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में अलग अलग योजना में डाला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसानों को हर साल 6,000 रुपया 2-2 हजार की 3 किस्त में देंगे। ये बड़े किसानों के लिए छोटी राशि हो सकती है, लेकिन गरीब के लिए बड़ी राशि थी। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना, मेरे दिल ने कहा शिवराज, अरे प्रधानमंत्री 6 दे रहे हैं, तू चौथी बार बनाए तो कम से कम 4 तू भी दे दे। तो मैंने 4 बढ़ाए, 6 के 10 कर दिए। लेकिन अब चिंता मत करो किसान भाइयों, 6 PM दे रहे हैं, 6 CM दे रहा है। पहले 2000 PM के आएंगे, फिर CM के आएंगे, फिर PM के आएंगे, फिर CM के आएंगे, फिर PM के आएंगे, फिर CM के आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और केवल किसान नहीं, घर में मेरी लाडली बहना भी है, किसान को भी 1,000 रुपया महीना। और मेरी लाडली बहना हो, चाहे तुम किसान परिवार से आती हो, चाहे तुम गरीब परिवार से आती हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, जरा ईमानदारी से बताना, लाडली बहना योजना कैसी है बताओ, बोल के बताओ, हाथ बात में जोर से बोल के बताओ कैसी है। मेरी बहनों, ये मैंने एहसान नहीं किया, तुम्हारा अधिकार दिया है, अधिकार, आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है, पूरा न्याय, आधी आबादी को पूरा न्याय। अरे गरीब मेरी बहना 1,000-1,000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे, बेटा बेटी आए पास और कहे मम्मी मुझे किताब दिला दो, माँ मुझे फिराक दिला दे, माँ मुझे खेल का सामान दिला दे, आइसक्रीम खिला दे। माँ की इच्छा होती थी कि अपने बेटा बेटी को कुछ दिला दूं, होती कि नहीं होती इच्छा बताओ? अरे बोल के बताओ, होती कि नहीं? लेकिन पास पैसा नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे, मायके जाना है,
मायके जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, भुआ आइए हमारे लिए क्या लाइए। तो इसी चिंता में मर जाती थी, कैसे करूं, पैसा कहां से लाऊं। लेकिन लाडली बहना योजना के बाद मेरी बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आए, कई जगह उनकी मजबूरी समाप्त हो गई। अब 1000 रुपये के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और वो रुपया भी सीधे आपके अकाउंट में जाता है, सीधे बहन के अकाउंट में। मैंने कई जगह बहनों से पूछा कि बताओ मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया। तो एक बहन बोली, भैया घर में इज्जत बढ़ गई है आजकल घर में। मैं इनका कैसे है? बोले आजकल तो सासू माँ भी बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, आ गए कि नहीं आए अभी पैसा। और बोले घी की रोटी में कहती घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ बहू को भी। एक बहन ने कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि भोगे वक्त पे यही काम आएगी। बोलो मेरी बहनों इज्जत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी घर में, पीछे तक बताओ सम्मान बढ़ा है कि नहीं। तो कोई ये ना सोचे कि बहनों को पैसा दिया है, मेरी बहनाओं मैंने तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हें मान दिया है, इस मान की तुम हकदार हो। आखिर धरती के संसाधनों पर तुम्हारा भी हक है। और भैया यहां रुकेगा नहीं, 1000 से बढ़ा के हो गए 1250, और अब फिर 10 तारीख आ रही है। 10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस। फिर 10 तारीख को पैसा खाते में आएगा। और जब मैंने वचन दिया है वो याद रखना, तुम्हारा भाई कह रहा है पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। तुम्हें पता है 1000 देने में 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। कितने लगते हैं जोर से बोलो ना, 15,000 करोड़। और 15,000 का जब चौथा हिस्सा लगभग 400 करोड़ जब 250 बढ़ाता हूं तो बढ़ जाता है। अब 1250 हो गए, अब पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूं, 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा। जैसे इंतजाम हो गया फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने करूंगा, 3000 करूंगा। ये संकल्प है मेरा, बहनों की जिंदगी बदल के रख दें, बहनों की जिंदगी में खुशियां ला दें। आखिर हम कब तक आंसू बहाएंगे, कि हम केवल रोने के लिए पैदा हुए, क्या केवल हम अभाव में जिएंगे, क्या मेरी बहनें पैसे पैसे के लिए मोहताज रहेगी। मेरी बहनों ये संकल्प है हमारा कि हर बहन की आमदनी हर महीने कम से कम 10,000 रुपया महीना करना है, 10,000 रुपया महीना। घर के कामकाज करते हुए मेरी बहनें अलग अलग कामों में लगे, महिला स्व सहायता समूह हम बना रहे हैं, अलग अलग कई काम अपनी बहनों को दे रहे हैं। नहीं रहेंगे हम गरीब, नहीं जिएंगे अभाव में, हम भी बेहतर जिंदगी जिएंगे और बाल बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे। इसलिए मामा मुख्यमंत्री है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे भाई और बहनों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है उनके नेतृत्व में। और एक बात सुन लेना मेरे भाइयों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं, परिवार। हम और आप, अरे मुख्यमंत्री और जनता थोड़ी है। बताओ मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, और जोर से बताओ मुख्यमंत्री कि भैया। तो भैया हूं, बच्चों का मामा हूं, आपका भाई हूं, ये अपना परिवार है परिवार। और परिवार की व्यवस्था ठीक से करना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है, कोई परिवार में दुखी ना रहे। और इसलिए लाडली बहना योजना या किसान सम्मान निधि हो, कोई जाति और धर्म हमने नहीं देखा, सब बहनों के लिए की है व्यवस्था, सब भाई के लिए की है।
बेटा बेटियों के लिए किए। आप देखो 1000 किसान को मिल रहे हर महीना, और लाडली बहना है तो 1000 उसको मिल रहे। दो दो तीन तीन बहुएं तो अभी गांव में होती है, अगर तीन बहू है तो 1250 के हिसाब से 12×36 और 1.5 और 37,000 आएंगे। और साहब अगर किसान है तो 3000 और उनके हर महीना, तो 3×3=6,6,700 रुपया हर महीना परिवार में जा रहे कि नहीं जा रहे बताओ। परिवार कैसे बदलता है, निःशुल्क राशन। और अभी और सुन लेना ध्यान से, गरीबों किसानों मेरे बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब को दूंगा, कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा मध्य प्रदेश की धरती पर, रहने की अपनी जमीन हो। उसके लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनेंगे, और जिन लोगों के नाम, गरीबों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए हैं, आवास प्लस में भी नहीं आए, वो भी चिंता मत करना, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना मैंने बना दी है, उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके आवेदन भी भर रहे हैं। कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, हर एक की जमीन, हर एक का मकान। और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना में 3,61,00,000 कार्ड हमने बनाए। और बेटा बेटियों की पढ़ाई, परिवार की व्यवस्था कैसे होती है, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई, और बच्चों की पढ़ाई, चिंता मत करना, मामा काय के लिए मुख्यमंत्री है, सीएम राज स्कूल भी बन रहे। अरे 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं 75%, मामा उनको लैपटॉप